कोरोना महामारी के 5 माह के काल में सीजनल व्यापारियों की कमर तोड़कर रख दी है। ऐसे में व्यापारियों की माली हालत खस्ता है और अब उन्हें कर्ज का बोझ सताने लगा है। दरअसल महामारी काल के चलते शादी ब्याह पार्टी और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर अंकुश लगाने से सीजनल व्यापारियों को दोहरी आर्थिक मार पड़ी है, जिसमें लोगों का जीना दुभर हो गया है। इसी के चलते खरगोन जिले के व्यापारी जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान व्यापारियों ने बताया कि दूसरा सीजन आने वाला है, जिसे लेकर कार्यक्रमों में छूट प्रदान की जाए, जिससे हमारा रोजगार सुचारू रूप से चल सके। वहीं ज्ञापन के माध्यम से व्यापारियों ने शासन से गुहार लगाई है कि बैंक ऋण में उन्हें छूट प्रदान की जाए, जिससे आर्थिक तंगी की समस्या से निपटा जा सके। खरगोन संजय तिवारी की रिपोर्ट। वर्तमान समय में कोरोना महामारी के चलते संपूर्ण देश में आर्थिक मंदी चल रही है। ऐसे समय में सबसे ज़्यादा मंदी शादी ब्याह से संबंधित सीजनल व्यवसाय करने वाले टेंट व्यवसायी, मैरिज गार्डन, लाइटिंग, साउंड, कैटरिंग, डेकोरेशन आदि के व्यवसायी झेल रहे हैं, क्योंकि ये सभी व्यवसाय सीजनल होते हैं और समस्त व्यापारियों द्वारा गत मार्च, अप्रैल और मई में विवाहोत्सवों का सीजन देखते हुए नई सामग्री क्रय कर ली है। कि संपूर्ण देश में आर्थिक मंदी चल रही है कोरोना महामारी के चलते, और ऐसे समय में सबसे ज़्यादा मार जो है वो शादी ब्याह से जो जुड़ा हुआ जितने व्यवसाय हैं उन सभी व्यवसायों पर पड़ी, क्योंकि ये सब सीजनल धंधे होते हैं और पूरा सीजन लॉकडाउन के चलते कोई भी व्यापारी अपनी दुकान नहीं खोल पाया, जिसके कारण हम सब कहीं ना कहीं आर्थिक मंदी झेल रहे हैं। आज दुकानों का किराया भरना, गोडाउन का किराया भरना, लाइट का बिल भरना और जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें भी देना सबको भारी पड़ रही है। ऐसे समय में आज हम शासन से ये मांग करने आए, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हमने, जिलाधीश के माध्यम से हमने ये मांग की है कि सभी व्यापारियों को व्यापार करने की छूट दी जाए और आने वाले सीजन में अधिकतम 500 लोगों की अनुमति प्रदान की जाए, जिससे ये सारे व्यवसाय पुनः प्रारंभ हो सके। अन्यथा ये सभी व्यापारी बेरोजगार हो जाएंगे और अगर कोई शासन कदम नहीं उठाता तो सभी व्यापारी आने वाले माह में या कुछ प्लानिंग करके हम लोग फिर शटडाउन करते हुए सड़कों पर उतरेंगे और उसके शासन के खिलाफ आंदोलन करेंगे। क्या सुनाओ? रवि जायसवाल, जिला सचिव, टेंट व्यापारी एसोसिएशन। तो डेकोरेशन और कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े आज लोग यहाँ पर मौजूद हैं, किस तरीके की शिकायत है और किस तरीके की मांग है जिसको लेकर आपके यहाँ आना पड़ा? हमारी प्रमुख मांग है कि अगला सीजन, इस सीजन में तो कुछ भी कर नहीं पाए लॉकडाउन के कारण, अगला सीजन जब भी चालू हो जब हमको 500 व्यक्ति की अनुमति प्रदान की जाए, तो जिससे हमारे टेंट, लाइटिंग, डेकोरेशन वाले जो भी व्यवसाय, कैटरिंग वाले, इनको व्यापार करने की अनुमति प्रदान की जाए 500 आदमी की। तो कम से कम जिन्होंने ब्याज लोन लिया हुआ है वो किस्त भरने में समर्थ होंगे। और अभी और हमारी ये प्रमुख एक और मांग है कि अभी जो किस्त के लिए बैंक से दबाव आ रहा है तो हमको दिसंबर तक की मोहलत दीजिए, क्योंकि दिसंबर बाद ही हमारा सीजन चालू होगा, तो जब तक हमारे हम कहाँ से भरे? आज हमको गोडाउन, लाइट का, ये सब का व्यापार को मेंटेनेंस का खर्चा बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो अभी आज की कंडीशन ये है कि हर व्यापारी सक्षम नहीं है कि भर सके अपन। क्या सुना? राजेश भावसा, जिला अध्यक्ष, खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।